हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आम से बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। गर्मियों का मौसम है और हर जगह आम मिल रहा है, इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। चाहे कोई भी आम हो या फिर किसी क्वालिटी का आम हो, ये रेसिपी आसानी से बन जाती है। इसे आप एक बार बनाकर 2 महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि सभी इसे तुरंत ही चट कर जाएंगे। इसे हम बहुत कम चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम ना ही तो खोया मावा का यूज करेंगे, ना ही मिल्क पाउडर का और ना ही चाशनी बनाएंगे, फिर भी ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस टेस्टी सी सुपर सॉफ्ट मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें आम चाहिए होगा। ये मीडियम साइज के आम है। मीडियम साइज के आम हमने यहाँ पे 3 ले लिए हैं। आप अगर बड़े साइज के आम ले रहे हो तो 2 आम ले सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और इसमें 2 कप दूध डालेंगे। ये उबला हुआ दूध है और इसे मैं मलाई के साथ ही ले रही हूँ, एक्स्ट्रा मलाई नहीं डालूंगी। और यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया है, ये लगभग 1/2 लीटर के बराबर होगी। दूध को पैन में डाल लेने के बाद इसे उबलने देंगे। अब देखिए दूध में उबाल आने लगा है, तब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 कप चीनी। अगर मीठा कम पसंद हो तो चीनी को कम भी ऐड कर सकते हैं, और चीनी नहीं डालना चाह रहे हो तो मिश्री को भी पीस कर डाल सकते हैं। अब इस तरीके से चलाते रहेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। चीनी मेल्ट हो चुकी है, इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तब तक हम एक एक करके आम लेंगे और इसके छिलके को छील लेंगे। तीनों आम को हमने छील लिया है। अब गुठलियों को अलग कर लेंगे और आम के गुदे को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं आम हमारा ऊपर से तो ग्रीन था लेकिन अंदर से बिल्कुल येलो है। इसमें फूड कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा बर्फ़ी में। सारे आम को हमने पीसेज में कट कर लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें सारे आम के गुदे को डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इस आम में पानी दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही पीस लेंगे। और इस दूध को उबलते समय ही इसमें हम डाल लेंगे 10 से 12 केसर के धागे, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में हो तो डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इधर हमारी आम की प्योरी भी बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कितना स्मूथ सा पीस कर तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा पीस कर तैयार हुआ है। केसर डाल लेने की वजह से देख सकते हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा इसमें लाइट येलो कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड नारियल। ये नारियल का बुरादा है, आप चाहें तो नारियल को क्रश करके भी ले सकते हैं। इसमें हम 3 कप नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम अभी लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 3 कप डेसिकेटेड नारियल को ऐड किया है, वजन में लगभग 250 ग्राम के बराबर है। नारियल दूध में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे ये मैंगो की प्यूरी। मैंगो की प्यूरी ऐड कर लेने के बाद गैस के फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और इसे तेज़ फ्लेम पर ही मिक्स करते हुए पकाएंगे। अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी और पक भी जाएगी, और इसमें आपको मिल्क पाउडर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें घी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नारियल में ऑयल होता ही है, तो ये खुद ही ऑयल छोड़ देती है। और ना ही इसमें इलायची पाउडर का यूज करेंगे क्योंकि हमने इसमें केसर डाल लिया है, जिसकी वजह से इसमें ऑलरेडी फ्लेवर आ चुका है केसर का। इसे मिक्स करते हुए 7 से 8 मिनट हम इसे पकाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा येलो कलर आ चुका है बर्फ़ी के अंदर। इसमें हम और कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने मैंगो डाला है और नारियल, जो दोनों ही फ्लेवरफुल है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। ये बर्फ़ी बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, कम ही चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। यहाँ ध्यान रखना है कि दूध को हमें अच्छी तरीके से सुखा लेना है, दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए।
गैस का फ्लेम तेज ही रखें ताकि इसका दूध जल्दी से सूख जाए, और इसे कंटिन्यू चलाते रहे ताकि ये तले में लगे नहीं। मैंने इसे बनाने में कोई भी कलर का यूज नहीं किया है। अगर आपके आम के कलर येल्लो नहीं हो तो आप उसमें एक चुटकी कलर भी डाल सकते हैं, जिससे बर्फी का कलर एकदम येल्लो सा बढ़िया सा आ जाएगा। इसे पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है, इसका पूरा दूध सूख चुका है। अब हम एक ट्रे लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अब सारे मिश्रण को हम इस ट्रे में ट्रांसफर कर लेंगे। मिश्रण को ट्रे में डाल लेने के बाद इसे हम इक्वल फैला लेंगे और इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे, बर्फी देखने में अच्छा लगेगा। इसे पूरा नहीं फैलाना है, जितना हमने घी लगाया है उतना में ही इसे फैला देंगे, ऊपर से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। आप चाहे तो इस बर्फी को सजाने के लिए कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसे अभी प्लेन ही रख रही हूँ। इस तरीके से बर्फी को ट्रे में सेट कर लेने के बाद इसे आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दें, या फिर 3-4 घंटों के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में ये अच्छी तरीके से जम जाएगी। अब मैं इसे जमने के लिए 3-4 घंटों के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। 3-4 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बर्फी हमारी अच्छी तरीके से जम चुकी है और इसने किनारों को भी छोड़ दिया है। अब इसे सजाने के लिए मैं इसके ऊपर डाल लूँगी ये चांदी का वर्क। अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा, नहीं हो तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं। इसे डाल लेने से बिल्कुल मार्केट वाला लुक आएगा, जिस तरह से बाजार में हलवाई के यहाँ मिलता है। येल्लो येल्लो बर्फी के ऊपर ये चांदी वर्क लगा लेने से ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से हम पूरे बर्फी के ऊपर चांदी का वर्क लगा लेंगे। इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, घर में हो तो लगा लीजिएगा, अगर नहीं हो तो इसे नहीं भी लगा सकते हैं। इस तरीके से चांदी का वर्क लगा लेने से ये बिल्कुल हलवाइयों के यहाँ मिलने वाली मिठाइयों की तरह देखने में लगती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके पीसेज आप अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। अब एक एक पीसेस को हम इस तरीके से निकाल लेंगे, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली। हमारी बहुत ही कम मेहनत में और कम सामग्री में बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, बिना किसी झंझट के। आप भी इस तरीके से एक बार इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ आपको, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, मुँह में जाते ही घुल जाने वाली मिठाई हमारी बनकर तैयार हुई है। आम का भी सीजन चल रहा है, आप भी इस मिठाई को ज़रूर बनाइए। आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।